नीना आंटी और अंकल ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। क्या? हाँ। पर पापा। ओके ओके, रिलैक्स। मेरी तरफ से कोई परेशानी है, तुम्हें जो करना है करो, मना करना है तो मना करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने तय कर लिया, हम चारों के परिवार वालों पर केस दायर करेंगे। जी भाई साहब, बस नाश्ते के बाद निकलते हैं और लॉयर से मिलकर आते हैं। जी। मयंक दीदी, बस मिलना मिलाना बाद में, कोई जंग से लौट के नहीं आई है, वो तो शुक्रिया अदा कीजिए इनका कि इन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ली, पता नहीं क्यों। खैर जो भी बात हो, मैं ये बताने आया हूं कि पुलिस की नजर आप लोग के घर पे रहेगी, मैं तो आता जाता ही रहूंगा। देखिए बहन जी, हमने चारू को काफी हद तक समझा दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मयंक को समझा देंगी। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पास आपका फोन नंबर है, भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है चलो, हमारे घर का चिराग वापस लौट आया, हम बता नहीं सकते बेटा, तुम्हें देखकर तुम्हारी ताई जी को कितनी खुशी हो रही है। लेकिन ताई जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। हम ऐसा कब कह रहे हैं बेटा, लेकिन अभी चुपचाप रहो, इतने बड़े तूफान के बाद शांत रहने में ही सबकी भलाई है, और जो तुम चारों के साथ चाहते हो ना, वही हम सब भी चाहते हैं, इसलिए शांत हो जाओ, धीरज से काम लो। गुंजन कहाँ है, अभी तक आई नहीं? लो नाम लिया और आ गई। आकाश जी, आप गुंजन को कोई सरप्राइज देने की बात कर रहे थे, हमें भी तो पता चले क्या है। एक्चुअली मौसी जी, मेरे लिए रिश्ता है। हाँ, वो हमारे फैमिली फ्रेंड, परिवार भी अच्छा है और हमारी सालों की दोस्ती है। एक्चुअली मौसी जी, मैंने इस रिश्ते के बारे में काफी सोचा, एंड फिर मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर इट। कुंचन, ये सब क्या हो रहा है, तुम एकदम से शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? ठीक तो हो ना? कॉलेज चलो। हमें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो तो ये सब कुछ हमें बताना जरूरी नहीं समझा? हमें पता है तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो हर अच्छे लड़के से शादी करने की सोचे, तुम जरूर कुछ हमसे छुपा रही हो। रिलैक्स रचना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। हाँ लिया होगा। गुंजन, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है गुंजन? हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हैं, शायद यही होगा। I'm gonna make you mine.